खबर। सेना के नाम पर ठगने का नया फंडा। सेना के नाम पर शांति रो ने ठगने का नया फंडा अपनाया है। रहे सचेत, सोशल मीडिया पर सेना के नाम पर मांगे जा रहे हैं रुपए। खाता नंबर भी किया जारी। दिल्ली के एक बैंक में खोला खाता। सेना के अधिकारियों ने बताया कि गलत न भेजे रुपए। ठग सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर सेना के नाम पर लोगों से रुपया मांगा जा रहा है। लोगों को ठगने के लिए इस बार शातिरों ने नया तरीका अपनाया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज खूब ट्रेंड कर रहा है। इस मैसेज में कहा गया है कि आर्मी वेलफेयर फंड वेल्टर कैजुअल्टी नाम से सिंडिकेट बैंक में साउथ ब्लॉक नई दिल्ली ब्रांच में खाता नंबर 9055201016519 खोला है। इसका IFSC कोड भी संदेश में दिया गया है। संदेश भेजने वाले ने कहा कि देश की आबादी 150 करोड़ से अधिक है। एक रुपया भी रोज के हिसाब से भी सेना के खाते में सहायक राशि जमा करे तो भारत की सेना दुनिया की ताकतवर सेना बन जाएंगे। जबकि सेना से लोगों का कहना है कि लोगों के ठगने का यह तरीका है। खुफिया विभाग अलर्ट, जांच शुरू। सेना के वरिष्ठ अधिकारी का भी इस पर कहना है कि यह शातिरों के ठगने की साजिश है। सेना का इससे कोई दास्तान नहीं है, इसकी जांच कराने की जरूरत है। उधर इस संदेश की जानकारी के बाद खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से की शिकायत। देश के बड़े बलागर शिवम मिश्रा ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत सरकार से की है। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से फ्रॉड है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस संदेश को पोस्ट किया जा रहा है। लोगों को मूर्ख बनाकर ठगने की कोशिश है। शिवम ने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से की है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के ट्विटर हैंडल पर इसकी जांच दी गई है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।